पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद लुआजी झील योजना के अनुरूप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है और इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए। वहीं इस मामले में डीएम से मुलाकात कर मामले की जांच किए जाने की मांग की गई है। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उसमें ये था कि मेरा मानना ये है, मेरी इस पूर्व में डीएम से भी बात हुई है पौड़ी के जिलाधिकारी से, कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे उसमें।